हाय फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की जो वीडियो है ये भी बहुत खास है, और ये जो टॉपिक है इस पे तो मैं काफी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप लोगों को पसंद आती है। और आज बड़ा खुलासा, एक बड़ी अपडेट है रिलेटिंग टू ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कुवैत से कैसे ले, इसके पर वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाए और मेरे चैनल पे देखे, वो आपको मिल जाएगी। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, बड़ा खुलासा हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ कुवैत ने ये डिसाइड किया है कि अगर आपके पास कुवैत मोबाइल ऐप है और उसके अंदर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस और कार रजिस्ट्रेशन है, सो That is act as a legal document, और इसे आप कहीं पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दिखा सकते हो, ट्रांजेक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए भी। तो इस टाइम पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप ये ऐप पे ही दिखा सकते हैं। और वो इन ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन आपके ऐप पे ही वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं और आपको करने देंगे जो ट्रांजेक्शन है। तो ये बहुत अच्छी बात है, काफी रिलीफ है हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग कई बार ऐसा होता है कि पर्स में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है और कभी पर्स घर पे रह गया तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और कभी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी स्ट्रेस होता है। बट अब ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज अभी अब क्या हो गया है कि अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आप वो दिखा सकते हैं पुलिस वाले को और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स को, और तो उसके बेसिस पे वो आपको चेक कर सकते हैं। कई बार पुलिस की चेकिंग भी देखी गई है, तो उस टाइम पे पुलिस की अगर चेकिंग हो रही है और अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आप मोबाइल ऐप खोल के भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई करा सकते हैं और अपनी कार रजिस्ट्रेशन को भी वेरीफाई करा सकते हैं, इवन आपका फिजिकल है या नहीं है। सो एक बढ़िया रिलीफ थी जिसको मुझे लगा कि आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर डेफिनेटली आप अगर हॉलीडे में ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पर किसी और कंट्री जाके आपको गाड़ी रेंट करनी है, तो उसके लिए लगता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बड़े आराम से 10-15 मिनट में बना सकते हैं, और इसकी ज्यादा कीमत भी नहीं आती। 10 KD लगते हैं मात्र एक साल के लिए, 20 KD 2 साल के लिए, और आई थिंक 26 KD लगते हैं फॉर 3 ईयर्स के लिए। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, और आप इससे पूरी दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। इवन अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है और आपके पास कुवैत का लाइसेंस है, आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के इंडिया में भी गाड़ी चला सकते हैं अगर आप अपनी शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं इंडिया। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, अगर आप सोच रहे बनाने के लिए तो डेफिनेटली बनवा लीजिए। और आपको अगर कुछ मदद चाहिए तो हमारी जो पुरानी वीडियोस है, कैसे लाइसेंस बनाए इंटरनेशनल कुवैत पे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और जल्दी ही मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि भाई जो आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको रिन्यू कैसे किया जाए और रिन्यू में कहाँ पे जाके रिन्यू होता है और क्या एक्सपीरियंस होने वाला है लाइसेंस को मशीन से निकालने के लिए। तो काफी दोस्तों का कमेंट आया है कि भाई उनके लाइसेंस रिन्यू होने का टाइम आ रहा है, तो इस चीज पे कोई अच्छी सी वीडियो बनाई जाए। तो डेफिनेटली मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में एक बढ़िया सी वीडियो मैं तैयार करने वाला हूँ जिसमें पूरा प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो ये सारी पूरी अपडेट थी इस वीडियो में रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस एंड कार रजिस्ट्रेशन। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये इंफॉर्मेशन थी। तो बस आज के लिए इतना ही, अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पर हम नई नई रील्स आपके लिए लेके आते रहते हैं, उसको देखिए, इंजॉय कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय।